नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। इंस्टाग्राम ने हिंदुस्तानी भाऊ का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। उसके एक वीडियो को लेकर काफी बवाल हुआ था। इसके बाद कई लोगों ने इंस्टाग्राम और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक से कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। गीतकार पुनीत शर्मा ने भी हिंदुस्तानी भाऊ के वीडियो के खिलाफ रिपोर्ट की थी। उन्होंने 20 अगस्त को फेसबुक पर स्क्रीनशॉट पोस्ट कर बताया कि भाऊ का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। इस फोटो में इंस्टाग्राम से सस्पेंशन को लेकर आया मैसेज दिखाई देता है। शर्मा ने फोटो कैप्शन में लिखा, कल और आएंगे नगमों के खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। पुनीत शर्मा के अलावा भी कई लोगों ने हिंदुस्तानी भाऊ के वीडियो की शिकायत की थी। इनमें कॉमेडियन कुणाल कामरा, पत्रकार निखिल वागले भी शामिल थे। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस को टैग कर ट्वीट किया था। लिखा था, गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई पुलिस, खुलेआम हिंसा को कहना अपराध है। यह भीड़ को इकट्ठा करने और नफरत फैलाने का कदम है। यह काफी चिंताजनक है, इसके चलते हिंसा हो सकती है। सिस्टम साइड में जैसी बातें हमारे संविधान का अपमान है। बताया जाता है कि पहले तो इंस्टाग्राम ने भाऊ के इस वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की। कई लोगों ने लिखा था कि इंस्टाग्राम को इस वीडियो में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, लेकिन शिकायतें बढ़ने के बाद कार्रवाई की गई। बता दें कि हिंदुस्तानी भाऊ ने पिछले दिनों एक वीडियो पोस्ट किया था। अपने वीडियो में उसने भगवान के कथित अपमान को लेकर भड़काऊ बातें कही थी। वो सिस्टम साइड में, कंप्लेन साइड में, अब इनको मारना है बस, जैसी बातें कहते और गालियां देते सुनाई पड़ते हैं। ये वीडियो करीब 2.9 मिनट का है। बाद में ये वीडियो हटा दिया गया था। उसके बाद अब अकाउंट भी सस्पेंड हो गया है। जो लोग नहीं जानते उनको बता भी देते हैं कि आखिर कौन है ये हिंदुस्तानी भाऊ। असली नाम विकास फाटक है, महाराष्ट्र का रहने वाला है। पिछले साल बिग बॉस में भी शामिल हुआ था। सोशल मीडिया पर गाली गलौज वाले वीडियो बनाकर सुर्खियों में आया था। उसके वीडियो काफी देखे भी जाते हैं। पहली फुर्सत में निकल उसका फेवरेट डायलॉग है। हालांकि लगभग सभी वीडियो में गालियां मारपीट जैसी बातें ही होती हैं। पिछले दिनों बुलबुल फिल्म पर अनुष्का शर्मा और XXX2 वेब सीरीज को लेकर एकता कपूर पर हमला बोला था। साथ ही संजय दत्त की बीमारी को लेकर भी भला बुरा कहा था। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शक्ति ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। लाइफ के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी सोसाइटी, परिवार और दोस्तों के दबाव का।